हाय गाइस, वेलकम बैक टू आर्स रॉयल किचन। आर्स रॉयल किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक और खुशहाल होंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 किलो गोट मीट, ये बोन्स वाला है, और इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। और इसमें ऐड किया है 3 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 3 बड़े चम्मच धनिया पाउडर। और गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको मैं जो रेसिपीज अपलोड करती हूँ देखना पसंद है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर रेसिपीज। और इसमें डाला है 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बड़ा चम्मच G2 पेस्ट और 1/2 छोटा चम्मच सौंफ पाउडर। 1 छोटा चम्मच मैंने कसूरी मेथी का पाउडर डाला है, जिसे तवे पर अच्छी तरह से मैंने रोस्ट कर लिया था और फिर उसे पाउडर बनाकर डाला है। और 1 छोटा चम्मच मैंने डाला है घर का बनाया हुआ गरम मसाला पाउडर। और 3 छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार आप आपका नमक ऐड कर रहे हैं। और 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है कर्ड या दही। तो चलिए गाइस, आज हम बनाते हैं मटन करी। और मैं इसी तरह से मटन करी बनाती हूँ, वैसे और दूसरे तरीके से भी बनाई जाती है, तो मैं ट्राई करूँगी कि आपके साथ मेरी सारी रेसिपीज़ शेयर करूँ एक के बाद एक दूसरे वीडियोस में। तो ये सभी मसाले मिलाने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से मैरिनेट करके 1 से 1.5 घंटे तक के लिए साइड में रख दिया है, ताकि इसका जो भी स्पाइसेस है वो अंदर तक इसमें मैरिनेट हो जाए। अगर आपके पास टाइम है तो इसे ज़्यादा समय के लिए मैरिनेट करें, और अगर ज़्यादा टाइम ना हो तो कम से कम इसे 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट ज़रूर करें। वैसे जो ये मटन मेरे पास है, यह तो काफ़ी टेंडर है और बहुत जल्दी कुक हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा लाल वाला मांस आ गया हो तो आप उसमें या तो कच्चा पपीता होता है, रॉ पपाया, उसका पेस्ट या उसका एक पीस भी डाल सकते हैं मैरिनेशन के टाइम में, या यू कैन ऐड लेमन जूस ऑल्सो स्क्वीज करके। और मैं तो ऐसा थोड़ा कर्ड ऐड ही कर रही हूँ। ये सब ऐड करने से आपका जो मटन या मीट है वह टेंडर होता है, इट एक्ट्स एज अ टेंडराइजिंग एजेंट। हाँ, 1.5 किलो मटन के लिए मैंने लिए हैं 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने रफली चॉप किया है, और इसका अब हम फाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर 1.5 किलो मटन के लिए मैंने लिए है यह होल स्पाइसेस या खड़ा गरम मसाला, इसका लिस्ट मैंने मेंशन किया है, आप वहाँ चेक कर लीजिए। और गैस पे मैंने रखा है खुले मुंह वाला बर्तन, चौड़ा बर्तन, और उसमें मैं ऐड करूँगी 4 बड़े चम्मच भर के ऑयल। और जब ये ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो जो भी खड़े मसाले हमने रेडी करके रखे हैं वह इसमें हम भून लेंगे। और ध्यान रहे कि जब ये मसाले हम भून रहे हैं तो इन्हें थोड़ा मीडियम फ्लेम पर भूने, हमें इनको इस ऑयल को इन मसालों से इन्फ्यूज़ करना है, हमें ध्यान रखना है कि हमारे मसाले जले ना। और जैसे हम इन्हें ऑयल में डालेंगे और थोड़े फ्लेम स्लो फ्लेम पर इसे हम सॉटे करने के बाद में इसमें ऐड करेंगे प्याज का मसाला जो हमने पीस कर रेडी करके रखा था। यहाँ पर प्याज के पेस्ट को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इसकी जितनी भी रॉ स्मेल है वह ख़त्म हो जाए। और अच्छी तरह से भूनने के बाद में जब इस मसाले में ऑयल रिलीज़ हो जाएगा तो हमने जो मटन मैरिनेट करके रखा हुआ था उसे अच्छी तरह से मिक्स करके वह मैरिनेटेड मटन इसमें हम ऐड कर देंगे। और इस मटन को अब हम हाई फ्लेम पर भूनेंगे जब तक इसका रॉ स्मेल कम ना हो जाए, और जो भी हमारा मसाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, उसकी रॉ स्मेल ख़त्म होनी चाहिए और अच्छी तरह से भून जाए।
इस मैरिनेटेड मटन को हम अच्छी तरह से स्टर करते रहेंगे बीच बीच में, ताकि यह जले या चिपके नहीं। और इसे तब तक हम करेंगे सॉटे जब तक इसका जो जूसेस हैं वह पूरे रिलीज़ हो जाए, उस वह जूसेस पूरे इवाप्रेट ना हो जाए। हम इसे स्टर करके भूनते रहेंगे। और यहाँ पर मैंने ऐड किया है आधा छोटा चम्मच मिंट लीव्स पाउडर, जो मैंने घर पर बनाया है। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना लीव्स है तो वह भी हैंडफुल यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए यह मटन अच्छी तरह से भून गया है, इसके कलर में भी काफ़ी चेंज आया है और ऑयल भी रिलीज़ हो चुका है। तो स्टेज पे अब हम ऐड करेंगे हॉट बॉइलिंग वाटर। मैं यहाँ पर लगभग 3 ग्लास का पानी ऐड कर रही हूँ। आप देखिए आपको किस कंसिस्टेंसी का मटन करी बनाना है। आपको अगर लटपटा बनाना है तो आप इससे थोड़ा पानी कम भी कर सकते हैं, या फिर जब इसे इवोपरेट करें वाटर को बॉयल करके, तब आप थोड़ा ज़्यादा इसे बॉयल कर लें। तो कंसिस्टेंसी यू कैन एडजस्ट एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। इसमें पानी ऐड करने के बाद जब पानी में अच्छी तरह से बॉईल आ जाएगा तो इस यूटेंसिल को हम ढक करके या कवर कर देंगे लिड के साथ, और इसे अच्छी तरह से बॉईल करेंगे जब तक हमारा जो भी मटन है वह टेंडर हो जाए या पूरी तरह से कुक हो जाए। और देखिए इस मटन ग्रेवी को पकते हुए अब लगभग 1 से 1.5 घंटा हो चुका है स्लो फ्लेम पर। और यहाँ पर मैं पीसेस को चेक कर लूँगी जो अच्छी तरह से टेंडर भी हो चुके हैं एंड दे आर फाइनली कुक्ड। तो यहाँ पर मैं इसे ऐड करूँगी इसके अंदर हमारा लास्ट एंड माय फेवरेट पार्ट, फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, हैंडफुल ऑफ इट। और कोरिएंडर लीव्स डालने के बाद मैं इसे फिर 2 मिनट के लिए दम ले लूँगी, ताकि इसका जो भी कोरिएंडर का फ्लेवर है वह ग्रेवी और हमारे मटन में अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाए। एंड लुक आर यमी डिलीशियस एंड माउथ वाटरिंग मटन करी इज़ रेडी। आप चाहे तो इसे मक्के की रोटी, ज्वार की रोटी या बाजरे की रोटी या फुलके के साथ या राइस के साथ, एज यू विश यू कैन रिलिश विथ इट। हाँ, आज हमारे यहाँ पर ज्वार की रोटी के साथ इसका मज़ा लिया गया है। सो चलिए गाइज, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून फॉर मोर रेसिपीज एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर रेसिपीज एंड डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक इट। और मैंने इसे इस कंसिस्टेंसी का रखा था क्योंकि हमें इसे रोटी के साथ सर्व करना था, लेकिन आप देख सकते हैं अगर आपको इसे थोड़ा और गाढ़ा करना है तो लेट इट बॉयल फॉर अनदर 5 to 10 minutes ऑन अ हाई फ्लेम और आपका लटपटा मटन ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगा। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टेस्टी एंड डिलीशियस रेसिपी वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।